लेकिन मैंने आपको अपना सब कुछ माना है, अपना शौहर, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ। आतिर, आप भले केक ना काटें, लेकिन मेरे साथ बैठकर खाना तो खा सकते हैं ना। इसका मतलब है कि आतिर को तुमने अगवा किया था? नहीं, मैंने आतिर को अगवा नहीं किया था। मैं तो उस वक्त सोनिया के साथ था। मैंने आपसे मोहब्बत की और एक बीवी की हैसियत से ये मेरा हक था जो मुझे आपसे छीनना पड़ा है। छीनने से हक कभी नहीं मिलता अनिया। हक छीनने से कभी नहीं मिलता अनिया। जानती हूं मैं कल रात कहां था? मैं कल रात तंजीला के पास था अनिया। उसके साथ फिर एक नई शुरुआत का अहद करके आया था, क्योंकि ऊपर वाले ने एक बार फिर हम दोनों को मिलाने का रास्ता बना दिया रास्ता। क्या मतलब? हाँ, फैसल ने तंजीला को तलाक दे दिया अनिया। हाँ अनिया, फैसल ने तंजीला को तलाक दे दी है और वो मुझे खुद वहां लेकर गया था, खुद तंजीला से मिलवाने के लिए। लेकिन अनिया, तुम हरगिज ये मत समझना कि जो हमारे बीच हुआ है उसके बाद तुम मुझे हासिल कर लोगी। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती अनिया। और मैं तंजीला को भूल जाऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती अनिया? मैं तंजीला को अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। मैं कभी तंजीला को कभी नहीं भूल सकता। तंजीला, लगता है काफी सुबह उठ गई थी। हाँ, फजर के बाद सो नहीं पाई थी। अजीब सी बेचैनी है दिल में, इसीलिए बाहर आ गई थी। बेचैनी? मगर क्यों, किस बात की बेचैनी? कोई परेशानी है? अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। पता नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? सोनिया, खुशी मेरी जिंदगी में हवा के झोंके की तरह आती है, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। शायद इसीलिए दिल परेशान है। दिल इसलिए परेशान है क्योंकि तुम दिल को शको शुबात में डाल रही हो। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे।
वो तुम्हें और आतिर को इंशाल्लाह जरूर मिला देंगे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए लिखे गए हो। वरना खुद सोचो, फैसल तुम्हें तलाक देने को कैसे राजी होता? ये ऊपर वाले का ये हुक्म है कि उसने फैसल का दिल बदल दिया और उसकी सोच का रुख मोड़ दिया। मैं बहुत खुश हूं कि फैसल को तुम जैसी बीवी मिली है। अब कम से कम मैं ताहिर जान के सामने सुरखरु तो हो सकूंगी। कैसे हो सकता? मैं ऐसा कैसे कर सकता? कैसे? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ आतिर, जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। मैं इसीलिए परेशान हो रहा हूं क्योंकि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं? कैसे? मैं आनिया को अपनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता और फिर ये सब। आतिर मत भूलो, आनिया भी तुम्हारी बीवी है, शादी की है उसने तुमसे और तुम उसको उसके हक से महरूम रखते आए हो। उसने तुमसे अपना हक लिया। हाँ, तरीका उसका थोड़ा गलत था, लेकिन उसके लिए तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रहे हो? लेकिन मैं तंजीला को क्या जवाब दूंगा? कैसे सामना करूंगा उसका? लेकिन आतिर, तुम्हें तंजीला को कुछ बताने की जरूरत ही क्या है? ना बताओ उसे। तुम्हारा मतलब है मैं तंजीला से ये बात छुपाऊं? नहीं, 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 ऐसा नहीं कर सकता। मैं तंजीला से ये बात नहीं छुपा सकता। मैं नहीं छुपाऊंगा ये बात। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, समझा दूंगा और वो सब कुछ समझ जाएगी। पागल मत बनो आतिर, वो भी एक औरत है, वो ये सब कुछ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तंजीला मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो मेरे साथ ऐसा, समझ आई? आतिर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चिल्ला क्यों रहे थे? मैं, हाँ वो, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो जबकि तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, पुरसुकून होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं पुरसुकून और बहुत खुश हूं, ऐसी बस घबराहट हो गई थी। ये आतिर को क्या हुआ? कोई तो बात है। वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद मुझे तुम्हारे सामने आते ही बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन फैसल, हमारे बीच जो रिश्ता खत्म हुआ है उसकी वजह से एक दूसरा रिश्ता गहरा और मजबूत हो गया है, और वो रिश्ता है एतबार का, भरोसे का। आतिर के बाद इस दुनिया में एक तुम ही तो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और फिर तो मेरे ताया जात भी हो, ये वो रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता।
रही बात इद्दत की तो मैंने अपनी पहली इद्दत भी इसी घर में गुजारी थी। तुम्हारे साथ उस वक्त भी मैं अकेली थी। उस वक्त तो हमारे साथ सोनिया भी नहीं थी। तंजीला, तुम्हारी डॉक्टर की कॉल आई थी, तुम्हारा आज उसके साथ अपॉइंटमेंट था। बता रही थी कि तुम एक दो अपॉइंटमेंट पहले भी मिस कर चुकी हो। हाँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। लेकिन तुम्हें चेकअप मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं कि मैं और तुम आज तुम्हारी डॉक्टर से मिलने चलते हैं। फैसल, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं ड्राइवर को बुला लूं। अरे मुझे क्यों एतराज होगा, बल्कि तंजीला तुम ऐसा करो कि आतिर को भी कॉल करके बुला लो। आज हम सब बाहर डिनर करेंगे, इतनी करवाहट के बाद कुछ मीठे लम्हे तो बनते हैं। बल्कि मैं खुद उसे कॉल करता हूं। मामा, आखिर मेरा कसूर क्या, मेरी गलती क्या है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? ये तो बेटा ऊपर वाला ही जानता है कि उसे अपने बंदे की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी नागवार गुजरती है। तुम बताओ बात क्या है, बताओगी भी या इसी तरह गुस्सा करती रहोगी? मामा, मैंने मोहब्बत की, सच्ची मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत, लेकिन उस मोहब्बत को ऊपर वाले ने उस तंजीला की झोली में डाला। क्यों मामा, जब से शादी हुई है आतिर ने प्यार से तो क्या नजर भर कर मुझे नहीं देखा। शादी के बाद हर रात में उनकी चाहत में जाग जाग कर गुजारती, और जब मामा किस्मत ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी चाहत हासिल कर सकूं, तो वो एक दिन मैंने आतिर की जिंदगी से चुरा ली। क्या? जी मामा, लेकिन उन्हें इतना दुख और इतना मलाल हुआ जैसे मैं उनकी बीवी नहीं कोई अछू तो जिसे छूकर वो नापाक हो गए। और अब जानती इतना दुख और मलाल उन्हें क्यों था? क्योंकि फैसल ने तंजीला को तलाक दे दी है। क्या कह रही हो ये तुम? जी, और अब वो दोबारा उस तंजीला से निकाह करेगा। ऐसे कैसे निकाह कर सकता है? मैं बात करूंगी उससे। तुम्हारे पापा बात करेंगे, हम किसी तरह भी उसे मना लेंगे। कैसे मनाएंगे? और कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आतिर उस तंजीला के लिए मुझे तो छोड़ सकता है लेकिन मेरे लिए उस तंजीला को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप देखो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। दूसरों पर आसरा करने से बेहतर है कि ज़ीशान को खत्म करने के लिए मैं खुद ही कुछ करूं। अब लगता है कि मुझे खुद ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा। वो एक आदमी भी तो आया था। हाँ, उसने मुझे कार्ड भी दिया था। वो कार्ड मैंने कहाँ रखा? क्या हुआ मामा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो एक कार्ड था, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं। अब एक कार्ड तो आपने मुझे भी दिया था, क्या नाम था? अब कोई सर्वर साहब थे? अरे हाँ, वही तो ढूंढ रही हूँ।
क्या हो गया है मेरी याददाश्त को, वो जल्दी से लेकर आओ, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं आ रहा था। हाँ मैं लेके आ, लेकिन मामा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने वो कार्ड रखा कहाँ पर था। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए दिया था वो कार्ड कि तुम इधर उधर कहीं रख दो और भूल जाओ। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? अगर वो कार्ड नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? क्या हो गया मामा, एक कार्ड ही तो था। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक कार्ड था, महज एक कागज का टुकड़ा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाओ जाकर ढूंढो। मैं देखती हूँ कार्ड। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या करती है, अगर कार्ड नहीं मिला तो फिर उस आदमी को कैसे ढूंढूंगी मैं। मामा ये मिल गया। हाँ यही था, अगर ये खो जाता तो क्या करती मैं। जाओ कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा नहीं पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ? हाँ कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। वो सोनिया आज शाम मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही है चेकअप के लिए। फैसल कह रहा था कि अगर आज का डिनर हम सब साथ कर लें। आज डिनर? लेकिन आज तो अगर आप मसरूफ हैं तो मैं फैसल से कह देती हूँ, मना कर देती हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। आतिर आप? मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय।